आपको याद ही होगा कि वीवो ने कुछ समय पहले दुनिया का पहला 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा वाला फोन लॉन्च करके ये साबित कर दिया था कि सेल्फी फोन्स के मामले में वीवो का कोई मुकाबला नहीं, और लगता है कि वीवो ने अब टॉप पर रहने की ठान भी ली है, क्योंकि वीवो ने हाल ही में अपना एक नया स्मार्टफोन निकाला है जिसका नाम है V5 Plus। और इसकी खास बात यह है कि इस फोन में आपको डुअल फ्रंट कैमरा मिल रहा है। जी हाँ, इसका एक सेंसर 20 मेगापिक्सल का है और दूसरा सेंसर 8 मेगापिक्सल का है। पर अब देखना यह है कि क्या ये फोन सिर्फ सेल्फी तक ही सीमित है या फिर इसके दूसरे फीचर्स भी दमदार है। आइए देखते हैं इस फोन के रिव्यू में। अब चलिए सबसे पहले इस फोन के सेल्फी कैमरा पर नजर डाल लेते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इस फोन के फ्रंट में दो सेंसर दिए, यानी एक सेंसर 20 मेगापिक्सल का है जो कि मेन कैमरा है, और दूसरा सेंसर जो है वो 8 मेगापिक्सल का है जो कि डेप्थ कैप्चर करने के काम आता है। और जब आप इस फोन से पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो आपको एक बेहतरीन इमेज क्वालिटी मिलती है, वो भी बोके यानी डी फोकस्ड बैकग्राउंड के साथ। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, अगर आज आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप रेयर कैमरा से ज्यादा सेल्फी कैमरा का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उस सिनेरियो में ये फोन आपके काफी काम आने वाला है क्योंकि ये आपको एक DSLR वाली इमेज क्वालिटी देता है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि इसके फ्रंट में आपको एक LED फ्लैश लाइट मिलती है, तो अगर आप डार्क सिचुएशन में पिक्चर क्लिक कर रहे हैं तो आपको एक शानदार इमेज क्वालिटी वाली मिलने वाली है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप एक सेल्फी के शौकीन हैं या फिर सोलो ट्रैवलर हैं जो कि दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ, देन दिस इज द फोन फॉर यू। अब बात करें इसके 16 मेगापिक्सल रियर कैमरा की, तो वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है, आपको एक बेहतरीन इमेज क्वालिटी देगा। हालांकि लो लाइटिंग कंडीशंस में डिटेलिंग की थोड़ी कमी हो जाती है, लेकिन वाइब्रेंट एकदम होती है पिक्चर और ग्रेन्स भी बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल ये फोन रेयर कैमरा के मामले में भी आपको काफी पसंद आएगा, लेकिन अगर इस फोन को इस प्राइस रेंज में आने वाले दूसरे फोन से कंपेयर करें तो रेयर कैमरा के मामले में ये फोन थोड़ा सा पीछे है, और तो और इसमें OIS की कमी भी आपको जरूर खलेगी। इसके डिजाइन की तरफ देखें तो लगता है कि वीवो आपको इस बार अपनी ओर आकर्षित करके ही रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो हालांकि फुल मेटल बॉडी वाला ये फोन अपने एंटीना बैंड्स, पोर्ट प्लेसमेंट्स और कर्व डिजाइन की वजह से आईफोन 7 की तरह ही लगता है, लेकिन लुक्स एकदम क्लासी है और गॉर्जियस भी। और इस फोन को हाथ में पकड़ते ही आपको एक प्रीमियम फोन का एहसास हो जाएगा। साथ ही साथ इसके फ्रंट में दिया फिंगरप्रिंट सेंसर आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि सिर्फ हल्के टच से ही ये फोन अनलॉक हो जाता है। डिस्प्ले वाइज इस फोन में 5.5 इंच फुल HD 2.5D कर्व डिस्प्ले, जो कि आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। ये डिस्प्ले एकदम ब्राइट है, वाइब्रेंट है और शार्प भी है। और इसके अलावा इस फोन की सनलाइट एलिजिबिलिटी हो या फिर इसके व्यूइंग एंगल्स हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस फोन का डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास से भी प्रोटेक्टेड है, जिस वजह से ये फोन कुछ हद तक स्क्रैचेस से सेफ रहेगा। एनीवेज, अब आइए एक बार इस फोन के डिस्प्ले और साउंड क्वालिटी पर नजर डाल लेते हैं। सॉफ्टवेयर के मामले में ये फोन फ्रंट टच OS के साथ एंड्रॉयड मार्शमेलो पर चलता है, और ये बात तो माननी पड़ेगी कि इसका UI काफी हद तक iOS की तरह लगता है और स्मूथ भी है। इसमें आपको स्मार्ट स्प्लिट, एस कैप्चर और स्मार्ट क्लिक जैसे कुछ फीचर्स मिल जाएंगे। बात की जाए स्टोरेज की तो ये फोन 64GB स्टोरेज से लेस है, जिसे आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। अब बात आती है परफॉर्मेंस की, तो Vivo V5 Plus में दिया है Qualcomm Snapdragon 625 प्रोसेसर और 4GB की रैम, जिस वजह से इसमें हर टाइप की हैवी ग्राफिक गेम्स बिना किसी लैग के एकदम स्मूथ चलेंगी। साथ ही साथ मल्टीटास्किंग में भी ये फोन अच्छा साबित हुआ, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका प्रोसेसर पावर एफिशिएंट है, इसलिए इसकी 3055 mAh की बैटरी हैवी यूसेज पर आसानी से एक दिन सर्वाइव कर जाएगी। अब मेरे बिना बोले आप समझ ही गए होंगे कि Vivo V5 Plus की सीधी टक्कर फ्लैगशिप किलर कहलाए जाने वाले फोन OnePlus 3 से होती है, क्योंकि उस फोन में है Snapdragon 820 प्रोसेसर और 6GB रैम, जिस वजह से वो फोन काफी आगे निकल जाता है। लेकिन अगर आप इसे इस प्राइस रेंज में आने वाले दूसरे फोन से कंपेयर करेंगे, जैसे कि Moto Z Play या फिर Asus Zenfone 3, तो ये फोन किसी भी लिहाज से उनसे हारेगा नहीं। अगर कुछ प्लस पॉइंट्स उन फोन्स में है तो कुछ प्लस पॉइंट इस फोन में भी आपको जरूर मिलेंगे। कहने का मतलब यह है, सिर्फ OnePlus 3 को हटा दें तो अगर आप एक बेहतरीन सेल्फी कैमरा वाला फोन तलाश रहे हैं जो कि आपको बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में भी निराश ना करे, तो आप इस फोन को डेफिनेटली खरीद सकते हैं। ऊपर से इसका एक प्लस पॉइंट और है, यानी आप इस फोन को ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी खरीद सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको अच्छे से फील करें और यूज करके खरीद सकते हैं। आपको ऑनलाइन ऑर्डर करके इसको खरीदने की जरूरत नहीं।
तो ये था Vivo V5 Plus का डिटेल रिव्यू। अगर आपको फिर भी इस फोन को लेकर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो आप मेरा ट्विटर में जुड़ सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @KeshavKhera। Until then, this is Keshav Khera, signing off.